कानपुर एम ब्लॉक किदवई नगर निवासी सुरेश वर्मा की वाई ब्लॉक में गायत्री ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। बुधवार रात करीब 9 बजे वह दुकान बंद कर रहे थे। उनके साथ 30 वर्षीय बेटा शशांक वर्मा भी था। दुकान बंद करने के बाद जैसे ही वह घूमे वैसे ही बदमाशों ने गोली चला दी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। इसके बाद बदमाश बैग लेकर भाग निकले। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस आयुक्त असीम अरुण, सहायक पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरी व आनंद प्रकाश तिवारी, डीसीपी साउथ रवीना त्यागी, एडीसीपी मनीष सोनकर ने पहुंचकर जांच शुरू की। त्वरित गति से शुरू हुई चेकिंग में पुलिस ने पनकी थाना क्षेत्र में भौती फ्लाई ओवर के पास एक संदिग्ध बोलेरो पकड़ी जिसमें सवार 7 लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुरेश को गोली दाहिनी बाजू पर लगी और आर पार हो गई। यह देखकर सुरेश का बेटा शशांक पड़ोस की दुकान ग्लोरी बेकरी की ओर भागा। तभी बदमाशों ने शशांक को भी गोली मार दी। दोनों घायलों को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सुरेश ने पूछताछ में बताया कि बैग के अंदर एक लैपटॉप व कुछ कागज थे। बयान घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी के भागने का रूट ट्रेस हुआ है। एक संदिग्ध बोलेरो में 7 लोग पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ जारी है। असीम अरुण, पुलिस आयुक्त, क्राइम 7 ब्यूरो रिपोर्ट। मैं निकल ही रहा था। लूट हुई है। घायलों पहले तो घायलों की हालत क्या है और किस तरीके से जो है नोट किया जाए लुटेरों के विषय में। अभी कुछ देर पहले एक घटना हुई है जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके द्वारा बताया गया है कि एक सफ़ेद रंग की बोलेरो से कुछ हमलावर आए और उन्होंने अपने आप से फायरिंग की और यहाँ के दो